कॉलेज की छात्रा के साथ दुष्कर्म के आरोपी के घर पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर घर तोड़ने की कार्यवाही की। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन कर कार्यवाही की मांग की थी। आरोपी के द्वारा किए गए अतिक्रमण पर प्रशासन ने कार्यवाही करते हुए बुलडोजर चलाया। दुष्कर्म के आरोपी के घर पर चला बुलडोजर। ग्राम मगरधा में 36 घंटों से धरना प्रदर्शन था जारी। 24 घंटे बाद महिलाओं ने संभाला मोर्चा। देर शाम प्रशासन ने जेसीबी से अतिक्रमण किए हिस्से पर चलाया बुलडोजर। उधर पुलिस ने आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर लिया। एसडीएम और तहसीलदार और भारी पुलिस बल घटनास्थल पर मौजूद है। परिजन एवं ग्रामीणों की मांग पर प्रशासन द्वारा बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है मकान। बीते दो दिन पहले नेता ने महिला थाने में पहुंचकर पूरे मामले की शिकायत दर्ज करवाई थी। मामले की शिकायत के बाद महिला पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया था। ग्रामीणों ने आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। हमारे द्वारा जो दो दिनों से धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, तो लगभग हमारी बहुत सारी मांगें प्रशासन द्वारा मान ली गई हैं। जो जांच अधिकारी बदलने की बात थी वो हमारी मान ली गई है। दूसरा, आरोपी के घर पे जो अवैध अतिक्रमण था, तो उस पर आज प्रशासन ने उसको तोड़ने का काम किया है। साथ ही जो अभी उसका 1783 स्क्वायर फीट का और अवैध पट्टा जारी हुआ है, उसका भी प्रशासन ने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है कि उसकी कार्रवाई हमने कर दी है। शीघ्र ही हरदा ऑफिस में संपर्क करने का कहा है हमसे कि आप लोग संपर्क करें, तो पट्टा निरस्तीकरण करने के बाद आगे के जो अतिक्रमण है वो भी तोड़ दिया जाएगा। इसको लेकर क्या धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया गया? हाँ, प्रशासन ने लगभग हमारी बहुत सारी मांगे मान ली हैं। अब जो प्रशासन स्तर की मांगे हैं, जो इनके साक्ष्य में हरदा में जाकर के प्रस्तुत करना है, वो उसमें भी प्रशासन ने हमको सहयोग करने का आश्वासन दिया है कि आप लोग साक्ष्य लेकर के आइए तो हम आपका सहयोग करेंगे। इसलिए आज सभी लोगों से सहमति लेकर के, सभी संगठनों से सहमति लेकर के, और हमने हमारा धरना स्थगित किया है। कल से मगरदा बाजार यथावत रूप से खुलेगा। ग्राम मगरदा के जो भी व्यापारी बंधुओं ने हमारा सहयोग किया है, ग्राम के सभी नागरिकों ने जो सहयोग किया है, हमारे सभी हिंदू संगठनों के भाइयों ने जो हमारा सहयोग किया है, आसपास के गांव के सभी लोगों ने जो हमारा सहयोग किया है, इस दो दिन के लिए भूखे प्यासे रहकर यहां पर धरना पर बैठे हैं और दिन दिन भर हमारे साथ रहे हैं और शांतिपूर्वक धरना करने में हमारी एक एक बात को अक्षर से सुन करके, और उन्होंने ये धरने को चलाया है। साथ ही करणी सेना का भी सहयोग हमारे साथ बना रहा है, और मैं सभी संगठनों का, सभी ग्रामवासियों का और सभी व्यापारी बंधुओं का आभार व्यक्त करता हूं, और भविष्य में भी आपसे अपेक्षा करता हूं कि इस प्रकार के कोई सहयोग की आवश्यकता लगेगी तो आप हमारा सहयोग करेंगे। जो कार्रवाई के बारे में बताइए। मगरदा ग्राम की एक बालिका के साथ अपराध होने की सूचना होने पर पुलिस ने तत्काल रिपोर्ट करी। पीड़िता के परिवार द्वारा यह मांग की गई कि आरोपी पक्ष का जो भी अतिक्रमण गाँव में है उसको ढहा दिया जाए। इस संबंध में पुलिस और प्रशासन की टीम ग्राम मगरदा में उपस्थित है। उपस्थित होकर नप्ती की गई तहसीलदार महोदय द्वारा, जो भी उचित कार्रवाई करने के उपरांत ग्रामवासियों को, ग्राम के जनप्रतिनिधियों को समझाइश दी गई एवं सभी संतुष्ट हैं, धरना समाप्त किया जाए। मैडम, एक पहला प्रश्न है, चस्पा की जानकारी चस्पा की थी।